के उम्मीदवार तय करेगी। पीसीसी ने इस सिलसिले में अपनी जिला इकाइयों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्राम पंचायत के साथ जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के लिए कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा होगी। आपको बता दें कि जिला पंचायत यहां पर जिला अध्यक्ष और विधायक सांसद को भी प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो प्रत्याशी चयन का कार्य करें। और आपको बता दें कि एक बड़ी खबर है इस वक्त छत्तीसगढ़ से, जहां पर पंचायत चुनाव में कांग्रेस अपने अधिकृत उम्मीदवार उतारेगी। अब कहा जा सकता है इधर बीजेपी के लिए भी कांग्रेस ने मुश्किल खड़ी कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा करके पंचायतों के उम्मीदवार तय करेगी और पीसीसी ने इस सिलसिले में अपनी जिला इकाइयों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें ग्राम पंचायत के साथ जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के लिए कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवारों की जो घोषणा वो होगी और जिला अध्यक्ष विधायक सांसद को भी प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी दी गई। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए हैं रूपेश गुप्ता। रूपेश, जिस तरीके से देखा जाए यहां पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, ये कहा जा सकता है कि ये कांग्रेस यहां पर यह चाहती है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि किसका कौन उम्मीदवार है, कौन जीता, हर पार्टी अपना अपना दावा करती थी, तो कांग्रेस यहां पर एक मंशा जो इसके पीछे है कि वो ये है कि हमारे कांग्रेस के इतने प्रत्याशी जीते, क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, पीछे की वजह ये है कि जमीनी तौर पे कार्यकर्ताओं में, चूंकि कांग्रेस की सरकार बड़ी उम्मीदों के साथ आई है, खासतौर से जो कार्यकर्ता है उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा है, तो माना यह जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार बहुमत में आई है तो ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया जाए। अब पार्टी अधिकृत रूप से उन्हें चुनाव जितवाएगी, लड़ाएगी, तो उस स्थिति में ये कहने को हो जाएगा कि हमने आपको मौका दिया, तो नीचे स्तर तक जो असंतोष है या जो एक बेचैनी है कि हमने जो लड़ाई लड़ी उसका मौका कब मिलेगा, उस समस्या के समाधान के रूप में इस कदम को देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि सरकार के सामने ये खतरा रहेगा कि घोषित अगर ये डिक्लेयर्ड करती है, आइडेंटिफाइड करती है कि ये हमारे प्रत्याशी है, और अगर कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं होती है, तो एक साल में जो कामकाज किए, जिसका सरकार कहती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, उन दावों पर सवाल खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगा रूपेश जी। मीडिया प्रभारी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के शैलेश नितिन त्रिवेदी जी। स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश जी, जिस तरीके से देखा जाए कि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि अब प्रत्याशी कांग्रेस अपने उतारेगी, इससे कहां पर अगर देखा जाए कि कैसे चयन होगा, आपसी द्वंद आपस में नहीं बढ़ेगा प्रत्याशियों, क्योंकि 10-10 प्रत्याशी खड़े होते हैं एक एक अगर उससे देखा जाए, और करीब 1.5 लाख का चयन होना है, ऐसे सदस्य हैं जो प्रत्याशी हैं, कैसे करेगी कांग्रेस का काम? कांग्रेस पार्टी ने पहले भी इस काम को सफलतापूर्वक किया है। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी तब भी कांग्रेस ने नगरी निकाय संस्थाओं में और पंचायती राज संस्थाओं में अच्छी सफलता प्राप्त की थी, और इस बार तो हमने पूरी तरीके से प्रत्याशी चयन के कार्य का विकेंद्रीकरण कर दिया है। जिला पंचायत के प्रत्याशी चयन में उस जिले के जो प्रभारी महामंत्री हैं वे, और उस जिले के जो अध्यक्ष हैं वे, उस जिले के प्रभारी मंत्री के साथ, जिले के ब्लॉक अध्यक्षों के साथ, विधायकों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ और कार्यकर्ताओं से चर्चा करके जीतने योग्य प्रत्याशियों के नाम तय करेंगे, सर्वानुमति बनाएंगे। इसी तरीके से जनपद के लिए जो उस ब्लॉक के जिला कांग्रेस द्वारा नियुक्त प्रभारी हैं उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई, और जहां पर सर्वानुमति किसी कारण से नहीं बन पाई वहां पर प्रदेश कांग्रेस के मार्गदर्शन में प्रभारी लोग काम करेंगे। इसी तरीके से हर गांव में सरपंच और पंच, हम रायपुर से बैठकर किसी गांव के सरपंच और पंच प्रत्याशी नहीं तय कर सकते, लेकिन उस गांव के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो अपने गांव में अच्छे से अच्छे प्रत्याशी का चयन करेंगे। इस प्रकार कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को ताकत दी है, निर्णय का अधिकार दिया है, और इस निर्णय के अधिकार से हम अच्छे नतीजे निकालेंगे। पूर्व में जब भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे तब इससे बहुत अच्छे नतीजे आए थे, और अब मोहन मरकाम जी के समय भी कांग्रेस उसी जीतने के फॉर्मूले से काम कर रही है। बताना चाहूंगा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं और पूर्व बीजेपी जो विधायक हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, आपका स्वराज एक्सप्रेस में स्वागत है। जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस ने यहां पर जो
निकाय त्रिस्तरीय चुनाव हैं उसमें भी जिस तरीके से कर दिया है कि यहाँ पर प्रत्याशी कांग्रेस उतारेगी अपने, तो इससे बीजेपी किस तरह से देखती है इन पंचायत चुनाव को त्रिस्तरीय? सुंदरानी जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, सुंदरानी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा हमारे साथ, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी लगातार जुड़े हुए हैं। त्रिवेदी जी, जिस तरीके से अगर देखा जाए, लेकिन यहां पर जैसे कि आपने कहा कि इस तरीके से चयन प्रक्रिया इस प्रकार से होगी, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन जहां पर 10 प्रत्याशी खड़े होते हैं उनमें से एक का चुनाव करने के बाद फिर जो 9 प्रत्याशी हैं उनमें जिस तरीके से भावना ये पैदा नहीं होगी पार्टी के प्रति? देखिए, अगर यहाँ पे सर्वानुमति बनेगी, सब मिलके किसी एक प्रत्याशी का चयन करें, कहीं सर्वानुमति नहीं बन पाई तो उसमें प्रदेश कांग्रेस से मार्गदर्शन लिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार के कोई मतभेद की गुंजाइश नहीं है, बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है, पूर्व में सफलतापूर्वक इस तरीके को हम लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और दोबारा भी हम इसमें सफल होंगे। कांग्रेस को किसानों का, ग्रामीण क्षेत्रों की जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। त्रिवेदी जी, ग्राम स्वराज की जो अवधारणा होती है उस पर कहीं ना कहीं राजनीति नहीं उसमें आ रही है, क्योंकि आप? नहीं, इसमें राजनीति नहीं है। देखिए, अगर इसीलिए तो गैर दलीय आधार पे चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के समर्थक लोग हैं वो लोग तो एकजुट होके लड़ेंगे, एक साथ होके लड़ेंगे। ये तो एक अच्छी अवधारणा है, हम लोग सब एक परिवार की तरह है कांग्रेस पार्टी के लोग। त्रिवेदी, इसकी जरूरत क्या पड़ गई? क्या जिस तरीके से सफलताएं लगातार चूम रही हैं कदम कांग्रेस के, क्या उसी का एक ये नतीजा देखा जा सकता है, उसी का परिणाम? नहीं, पूर्व में भी जब हम विपक्ष में थे तब भी हम इसी प्रणाली के अनुसार प्रत्याशी चयन करके कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रहे थे, उसी क्रम को दोहराया गया है, कोई नई चीज नहीं की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े के लिए त्रिवेदी जी आपका। हमारे साथ रूपेश लगातार बने हुए हैं। रूपेश, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये बड़ा ही आसान तरीके से उन्होंने बता दिया कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी गई है और सब सर्वसम्मति से जो प्रत्याशी का चयन होगा वो प्रत्याशी का चयन किया जाएगा, क्या वाकई इतना आसान जैसे उन्होंने कहा कि ये होने वाली है प्रक्रिया? देखिए, मुझे नहीं लगता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तब कांग्रेस विपक्ष में थी, आज कांग्रेस सत्ता में है और सत्ता में जो पार्टी होती है उसके नए नए कार्यकर्ता भी पैदा हो जाते हैं जो ये बताते हैं कि वो लड़ाई में उसके साथ थे। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की संख्या अब बढ़ी होगी सत्ता में आने के बाद, तो ऐसी स्थिति में असंतोष भी होगा और सबको मैनेज करना आसान नहीं होगा। और इतने नीचे स्तर पे आपका संगठन कई जगह पे किस स्थिति में है, कितने कार्यकर्ता है, वो भी बड़े सवाल है, क्योंकि एक चूंकि ये सच्चाई है कि कांग्रेस मास बेसिस पार्टी है, हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में इसने अपना संगठन जरूर तैयार किया था, बूथ स्तर तक पहुंची थी पार्टी, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए कि उन कार्यकर्ताओं में से सही कैंडिडेट कैसे चुना जाए। और जब आप घोषित कर देते हैं तो उस घोषणा के साथ बहुत सारी बातें तय हो जाती है कि बाकी लोग, अगर आप घोषणा नहीं करते हैं तो सबको लाने की एक गुंजाइश रहती है, सबको साथ में रखने की गुंजाइश होती है, लेकिन जब आप एक कार्यकर्ता को टिकट देते हैं तो बाकी कार्यकर्ताओं को रुष्ट भी करते हैं। जाहिर है, और फिर बीजेपी जो विपक्ष रूप से इसमें ये आरोप भी लगातार आया है, जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो उपचुनाव हुए हों या फिर नगर निकाय के चुनाव हुए, कि सरकार जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग कर रही है सरकार। हाँ, बिल्कुल, आरोप लगा दिया भाजपा ने कि ये आइडेंटिफाई हो जाए कि प्रशासन की ओर से किसकी मदद की जाएगी और इसलिए ये किया जा रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका रूपेश। और जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस लगातार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रही हो और इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी अब कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी।